साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। एड्स दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश श्री अतुल सराफ के मार्गदर्शन में एड्स दिवस के अवसर पर अधिकारी गण एवं कर्मचारी गणों ने रिबन लगाकर आमजन को जागरूक किया। इसके साथ ही साथ प्रथम कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय बुरहानपुर, जायट्स ग्रुप बुरहानपुर, जन जागृति सेवा बुरहानपुर एवं मां नर्मदा स्वास्थ्य सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला चौक के बाजार में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्राधिकरण के निर्देश अनुसार पैराली गैर वॉलेंटियर व कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर के परामर्शदाता एवं चार्टिस्ट एवं जनजागृति के पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र जैन के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी सलाह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। पात्र व्यक्तियों में आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एड्स दिवस पर प्राधिकरण द्वारा संचालित मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सहायता के संबंध में जागरूक कर महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही साथ नालसा द्वारा हॉल में ही चालू किया गया और सहायता ऐप की जानकारी देते हुए बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बताया कि एड्स ग्रसित व्यक्तियों को हीन भावनाओं से मानवीता से व्यवहार करें। पीएलबी महेंद्र जैन ने बताया 11 दिसंबर को शनिवार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण दोनों पक्ष करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएलबी डॉक्टर अशोक गुप्ता ने एचआईवी वायरस के बचाव के उपायों होने वाले कार्डों से अवगत कराया एवं शारीरिक और जानकारी से उपस्थित युवा पीढ़ी का अवगत कराया। उक्त अवसर पर जाट्स ग्रुप अध्यक्ष शोभा चौधरी उपस्थित रही। अन्य जागरूकता शिविर का आयोजन पीएलवी संदीप शर्मा के द्वारा सईदा हॉस्पिटल में प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के मध्य एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य एड्स सुरक्षा के बारे में जानकारी बढ़ाना है। ये कार्यक्रम संक्रमण रोग है जो कि वायरस से ये पैदा होता है। वायरस ब्लड पे सेल्स को किया हीन करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे शरीर की शक्ति कम हो जाती है। बताया है कि एचआईवी का मुख्य कारण संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना, शरीर में एचआईवी ब्लड चढ़ाने से अन्य कारणों में संक्रमणग्रस्त और हो जाते हैं। एड्स के बचाव के बारे में बताया कि इस रोग को दूर रहने के लिए सुरक्षा बचाव एकमात्र उपाय है। ब्लड को शरीर में लेने के लिए उसकी एचआईवी जाँच करवाएं। सैलूनों में शेविंग करवाते समय नई ब्लेड का उपयोग करें। बताया कि आवश्यक जरूरी उपायों से सुरक्षा की जा सकती है। लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।